हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज और आपका स्वागत है मेरे अलिफ डिजिटल टेक इन्फो चैनल पर। इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारे पास ओल्ड होम थिएटर्स हैं उनको किस तरह से हमारे न्यू स्मार्ट टीवी के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि एमआई, हाइसन और बहुत सारे जो हमारे का बाज़ार में मिलने वाले स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड के हैं उनको किस तरह से हम अपने ओल्ड होम थिएटर के साथ कनेक्ट कर सकें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करें। ये आप पूरा आरसी अडेप्टर का अरेंजमेंट देख सकते हैं। ये आरसी अडेप्टर है, ये आप चाहें अमेज़ोन फ्लिपकार्ट में काफ़ी अवेलेबल है, हर तरह के मेक इसमें हैं अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने इसमें अमेज़ोन का मंगा के इसको टेस्ट करके देखा है। आप लोग भी आप कोई भी कंपनी का मंगा सकते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। और मैं थोड़ा सा क्वालिटी को देखते हुए देखा था कि कभी ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज़ आ जाए। चलिए हम इसको अभी ओपन करके देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में है और कैसे कैसे सामान दिए हुए हैं इन्होंने। इसके अंदर में RCA ऑडियो कन्वर्टर अडेप्टर विद फाइबर केबल है और इसका पावर के लिए USB पावर अवेलेबल है। और ये सब कुछ देखते हुए मैंने इसको मंगाया था क्योंकि मेरा टीवी जो है हाइसन का टीवी है, उस टीवी के अंदर में मेरा जो पावर का है वो USB अवेलेबल है, तो मैंने इसको देख करके USB वाला पावर कनेक्शन लिया था। और मैं इसे फाइबर ऑप्टिकल के साथ जोड़ूंगा क्योंकि मेरे पास फाइबर ऑप्टिकल इसके अंदर में ऑप्शन अवेलेबल है। हॉक्स भी है, लेकिन हॉक्स के अंदर में जो मेरा डिजिटल आउटपुट है वो पूरा नहीं निकल पा रहा है, इसकी वजह से मैं इसको इस फाइबर ऑप्टिकल के साथ में जोड़ने जा रहा हूँ। इस बॉक्स के अंदर में मेरे को तीन चीज़ें दिख रही हैं, जिसके अंदर में मुझे एक तो अडेप्टर है और एक USB पावर केबल है और दूसरा फाइबर केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है। साथ में एक मैनुअल भी है, आपको कुछ समझना है देखना है तो इस मैनुअल के थ्रू आप देख सकते हैं। बाकी मैं डिटेलिंग में आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो है फाइबर ऑप्टिकल वायर है, ये हमारे अडेप्टर के साथ में जुड़ना है, जिसके ऊपर हमारे ये रबड़ की कॉक लगी होती है। इसको हम दोनों साइड से निकाल लेते हैं और जो ऑप्शन दिया हुआ है फाइबर ऑप्टिकल लगाने के लिए, हम उस जगह पे इसके अंदर में आप देखेंगे ये जो अडेप्टर है, अडेप्टर में दो RCA केबल लगाने के लिए अरेंजमेंट है और एक साइड में आप जो है सिंगल हॉक से केबल आती है वो लगा सकते हैं, और जो एक लाइन एक पॉइंट जो है वो आपका फाइबर ऑप्टिकल लगाने के लिए। और दूसरे ये फाइबर ऑप्टिकल लगाने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर में जो ग्रिप बनी हुई है उस ग्रिप के अंदर ही जाना चाहिए, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि वो इसी खांचे को बनाया गया है ताकि ये आदमी ठीक से इसको लगा ले, अदरवाइज फाइबर ऑप्टिकल है वो डैमेज होने के बाद फिर वो काम नहीं करती है। तो ये बहुत ध्यान से हमें इसको देखना है और देख करके हम इसको इजीली इसको फिट कर सकते हैं, और फिट करने में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। दूसरी साइड में हमारे पास जो है वो USB पावर की पॉइंट है और इस पॉइंट को हम पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम पावर इसमें लगा देते हैं ताकि हमारा ये यूनिट पूरा कम्प्लीट तैयार हो जाता है। और इसको हम अपने टीवी के जो हाइसन मेरा टीवी है, हाइसन टीवी के साथ में हम हमारे पॉइंट पीछे पॉइंट दिए हुए हैं, जो ये रेड कलर का आपको लाइट दिख रही है ये हमारा फाइबर ऑप्टिकल लगाने के लिए पोर्ट है, और इस पोर्ट के ऊपर हम इसको फाइबर एक पॉइंट फाइबर का हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ये लगाने के बाद आपका जो डिजिटल आउटपुट है वो प्रॉपर आ जाएगा। और इसको पावर के लिए हमें इसमें दो ऑप्शन आते हैं, क्योंकि हम चाहें तो हमारे पास अगर USB नहीं है तो ये बाज़ार के अंदर में आपको पावर अडेप्टर भी मिलता है जिसको हम लगा करके अपना पावर वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे टीवी के अंदर में ऑलरेडी पहले से ही USB के दो पोर्ट दिए हुए हैं जिसको मैं यूटिलाइज करूँगा, और उसी USB पावर को मैं ये दूसरा पॉइंट जो है USB पावर वाला जो है मैं इसको USB पावर के अंदर में लगा दूंगा, जिसकी वजह से मुझे अलग से कोई पावर कनेक्शन नहीं देना है क्योंकि मुझे टीवी से ही पावर इसको मिल जाएगी। और ये मैंने लगा दिया है मेरे इस अडेप्टर के अंदर में, पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें पावर आ गई है, जो ये लाइट आपको दिख रही है ये ऑलरेडी पावर आ चुका है इसके अंदर में।
अब हमारे पास ये कंप्लीट सेट हो गया है। अब हम इसके अंदर में अपने होम थिएटर, जो मेरा होम थिएटर सोनी का है, ओल्ड सोनी का होम थिएटर है, जिसके अंदर में मेरे आरसीए केबल का ही अरेंजमेंट लगाने के लिए अवेलेबल है, और इसके अंदर ना HMI एक ARC भी नहीं है, खाली RCA केबल के ही दो पॉइंट दिए हैं जो पावर आउटपुट इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मैं इन दोनों रेड और वाइट के अंदर में इन कर दूंगा RCA केबल। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो उसके लिए है जो वीडियो के लिए, और मुझे वीडियो के लिए यूज़ नहीं करना है तो मैं इस पॉइंट को इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो अभी हम देखते हैं कि आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर में पीछे बैक साइड के अंदर में तीन चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक HMI केबल को भी लगाने के लिए अरेंजमेंट है, लेकिन वो हम होम थिएटर को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए वो HRC पॉइंट नहीं है, तो इसलिए आउटपुट नहीं मिलता। मैं अब ये रेड वाला ये जो वायर है RCA केबल है उसको बिल्कुल रेड वाली पॉइंट पे मैं डाल दूंगा, और वाइट वाली को वाइट वाले में लगा दूंगा, और येलो को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे उस येलो वाले के यूज़ नहीं है, इसके लिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा ये होम थिएटर का सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं ये दूसरा जो उसका पॉइंट है, जो रेड और वाइट पॉइंट है, वो उस पॉइंट को मैं अपने RCA जो अडेप्टर है जो मैंने मंगाया है अमेज़ोन से, जो इसका पॉइंट है, उस पॉइंट को उसमें मैं अब लगा दूंगा। ये जो मेरा पॉइंट है इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसमें भी एक तरफ मैंने फाइबर ऑप्टिकल लगा चुका हूँ, और दूसरी तरफ ये जो पॉइंट निकल रहा है ये एनालॉग डिजिटल साउंड के लिए है, और ये मैंने रेड वाले को मैं रेड में लगा दूंगा और वाइट वाले को वाइट में लगा दूंगा। तो मेरा अब उधर उस पॉइंट को डिजिटल हो चुका है, डिजिटल से मेरा एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। तो मेरा ये ऑप्शन पूरा कंप्लीट हो गया, मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। चलिए मैं आपको टीवी के पास लेके चलता हूँ। टीवी मेरा हाइसन का है, इसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। सेटिंग जाने के बाद मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ऑप्शन में जा रहा हूँ साउंड बार पे, और साउंड पे मैं क्लिक करूँगा। साउंड के बाद जो है मैं नीचे एडिशनल सेटिंग पे जाता हूँ। एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद मैं इसके जो ऑडियो आउटपुट है उसको मैं क्लिक करता हूँ। ये ऑटो में भी डाला है मैंने, ऑटो के अंदर में साउंड भी आ रहा है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन मैंने इसको वापस से इसको PCM में कर दिया है। तो PCM में करने के बाद मेरे थोड़ा साउंड क्वालिटी बढ़ जाती है, और इसके हिसाब से मैंने इसको PCM में सेट कर दिया है। और मैं अब इसको एक वीडियो को टेस्ट करता हूँ, जिससे कि इसका साउंड क्वालिटी क्या आ रही है वो एक बार मेजर हो जाए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फर्दर कोई डिटेल में आपको वेटिंग करने में दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और कोई कमी हो वीडियो के अंदर मुझे बताइएगा। और आपने इसका साउंड क्या के बारे में अगर कोई दिक्कत आती है तो किस तरह से आपको करना है वो भी मैं आपको दोबारा कमेंट के ज़रिए बता दूंगा। अभी साउंड ऑलरेडी आपको मिल गया है, साउंड मेरा 5.1 स्टार्ट हो गया है, और ये अच्छा साउंड निकल रहा है 5.1 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।